आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधेश्वर के अपडेट की बात करें तो देश के हर गरीब को अपने मकान मिले इस संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। जी हां, इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण किया जाता है। ऐसे में केंद्र की इस योजना का काम मध्य प्रदेश में तेजी से चल रहा है। 16 अप्रैल तक PMY शहरी के 11,053 हितग्राहियों को 96 करोड़ से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी और ग्रामीण दोनों की राशि समय समय पर जारी की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में BLC घटक के आवास निर्माण के लिए 16 अप्रैल 2022 तक की गई है। जियो टैगिंग के आधार पर 96,90,96,500 रुपए विभिन्न किस्तों के रूप में जारी किए गए हैं। नगरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निर्देशित किया है कि सभी स्वीकृत आवासों को समय सीमा में पूरा करवाए। आयुक्त सिंह मिशन संचालक नगरी प्रशासन एवं विकास डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि 6,145 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि 61,45,00,000 रुपए, 21,085 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि 21,85,00,000 रुपए और 2,723 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि 13,60,96,500 रुपए जारी की गई है। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।